Hey guys, what's up and welcome back to this new video to talk episode 4. तो यार आज हम बात करने वाले पैशन. पैशन एक ऐसी चीज है ना यार जो आपको जमीन से उठाकर आसमान पे उड़ा सकती है, जो आपके अंदर हमेशा काम करने का जज्बा बढ़ा सकती है. पैशन वो है जो काम हमें करने में अच्छा लगता है, जिसके लिए हम फ्री में भी काम कर सकते हैं, वो है पैशन. और पैशन ना यार जब आपका प्रोफेशन बन जाता है ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. ये है पैशन. पैशन वो चीज है यार जब आप थके हुए हो, टूटे हो, आप कुछ भी कर रहे हो और आपके अंदर कुछ और काम करने का जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, ताकत नहीं है, पर आप अपने पैशन के लिए आप बिना कुछ सोचे समझे उठ जाते हो और काम पे लग जाते हो और लगे रहते हो. जब आपको वो काम करते हुए पता नहीं चलता है चीजें कब बदल गया, टाइम कब निकल गया है, जब 5 घंटे आपको 5 मिनट के बराबर लगते हैं, वो काम है पैशन. पैशन की डेफिनेशन बहुत सारी है, हर बंदा आपको अलग डेफिनेशन बताएगा. किसी के लिए पैशन है एक्टिंग करना, किसी के लिए पैशन है बिजनेस करना, किसी के लिए पैशन है वीडियो शूट करना, किसी के लिए पैशन है 9 to 5 जॉब करना. पैशन हर एक के लिए डिफरेंट है. बट पैशन वर्ड की वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या चीज है वो पैशन. आपको स्केटबोर्ड करना पसंद है, आपको स्केटबोर्ड चलाना पसंद है और आप उसमें कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आप ये नहीं सोचते कि आपके साथ क्या होने वाला है. आप बस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, अपनी एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, वो स्केटबोर्ड चलाने की एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप कैसी से कड़ी मेहनत करते हो. आप ये नहीं देखते आपके घुटने टूट रहे हैं, आपके ये नहीं देखते आपको चोट लग रही है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वो काम है पैशन. अब यार पैशन एक ऐसी चीज है ना जो आप अगर आपने ढूंढ लिया तो आप उस हाइट पे जो आप नेम, जो फेम, जो आप कमाना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो. बट यार पैशन और बाकी चीजों में ना पैशन एक ऐसी चीज है जहां पर आप उसे ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने आप मिल जाता है. बट कई लोग यार पैशन को अट्रैक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं. अट्रैक्शन क्या है यार, आपके दोस्त एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, कोई वो एंटरटेनमेंट का कंटेंट डालता है, बट आपने देखा यार वो इतना बड़ा बन गया तो मैं भी डालूंगा, मुझे भी उसको देख के अच्छा लग रहा है डालना. बट यार क्या पता वो आपका पैशन नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन हो. आज आपका दोस्त को एक्टिंग करने चला गया एंड वो थोड़ा बहुत उसको रोल मिलने चालू हो गए, बट आपको लगा यार इसको रोल मिलने चालू होगी तो मुझे क्यों नहीं, तो आप एक्टिंग करना स्टार्ट करते हो, आप प्ले करना स्टार्ट कर देते हो. आपको लगता है यार मेरे दोस्त ने एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया, मैं क्यों नहीं कर सकता. आप उसको देखकर खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो और उसने जो किया आप उस काम में लग जाते हो, वो है अट्रैक्शन. और आप उसे डिस्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, वो है आप अपने काम से हटकर किसी और की चकाचौंध में खुद को अंधा कर लेते हो, वो है डिस्ट्रैक्शन. और पैशन वो है यार जो आप काम करने में आपको मजा आता है, आपको पता नहीं लगता वो टाइम कब निकल जाता है. तो यार जब तक आप एक अट्रैक्शन के पीछे भागते रहोगे ना तो वो पैशन आपको कभी नहीं फॉलो करेगा. आपको पैशन को फॉलो करना होगा तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो. और यार बहुत से लोगों ने ऐसा बोला है, जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जितने भी आप बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, किसी को भी उठा के देख लो जो नेम और फेम कमा चुके हैं, तो यार उनके लिए उन्होंने अपना पैशन फॉलो करा है. ये नहीं कि यार आज उनका इसमें दिल कर रहा है, कल उनका इसमें दिल कर रहा है. उन्होंने एक काम को पकड़ा जो उन्हें करना पसंद था, उन्होंने उसको एनहेंस करा, उन्होंने उसको अपने आप को ऐसा बिल्ड करा कि वो अपने आप को उस काम में प्रेजेंट कर सके, वो है पैशन. जहां पर आप कुछ भी करने को रेडी होते हो, आपको वो काम करना है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पर आपको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जब वो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए आपके उसी काम पे जो आपको करना पसंद है, तो आप क्या हाइट अचीव कर सकते हो ये आप खुद भी सोच सकते हो. जो आप बिना पैसे के इतना अच्छा कर रहे हो, जब आपको उसमें पैसा मिलेगा तो आप कितना अच्छा कर सकते हो. ये है पैशन की पावर, ये है पैशन. अब बात करें यार, आपको एक क्रिकेट खेलना पसंद है, आप उसमें चाहते हो कि आपको खेलो, आप रोज संडे अपने दोस्तों के साथ जाते हो, इंजॉय करते हो, खेलते हो, अच्छा खेलते हो, ऐसा नहीं है कि आप बेकार खेलते हो, आपको उसको खेलना पसंद है, आपको पता ही लगता है टाइम उसमें कब निकल जाता है, तो यार आप ने उसको अपना प्रोफेशन बना दिया. जहां पैशन आ जाता है ना वहां प्रोफेशन आ सकता है, पर जहां प्रोफेशन आ जाता है वहां पैशन कभी नहीं आ सकता. कई लोग ऐसे हैं यार जो 9 to 5 की जॉब में फंस के रह गए हैं, उनका वो काम करने का दिल नहीं करता है. एक बारी तो यार उन्होंने ले लिया यार, उनको दिल करा यार काश मैं ये करूं, काश मैं ये बनूं, काश मैं वो बनूं, बट जब वो काम करने लगे 1-2 साल, 2-3-4-5 साल बाद जाके उन्हें रियलाइज होता है यार ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं यहां बस घिस रहा हूं, मुझे करने का दिल ही नहीं करता है, वो काम है प्रोफेशन. वहां पर पैशन दूर दूर तक नहीं आता है. और जब आप एक काम में लग जाते हो, मान लो आप एक क्रिकेटर बन रहे हो, आप एक यूट्यूबर बन रहे हो, आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, आप उस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यार, आप अपनी वीडियोस डाल रहे हो, आपको
अच्छा लगता है यार, मेरी एक वीडियो है, अब मेरे को दूसरी वीडियो के लिए कंटेंट सोचना है, मुझे दूसरी वीडियो के लिए क्या बनाना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्या क्या रोल्स होने चाहिए, हर चीज आप उसे अगले दिन ही सोचना चालू कर दोगे। एंड वो होता है पैशन, जब आप बिना रुके बिना थके एक काम के पीछे लग जाते हो और आपका मन करता है उस काम को बार बार करने का, वो काम है पैशन। अपने पैशन को फॉलो करो यार। अब आप कहोगे यार पैशन कैसे ढूंढे, हमें पता नहीं यार पैशन कैसे ढूंढे, तो यार उसके लिए यार एक चीज देखो, आप जो काम कर रहे हो कि आपका उसमें मन लग रहा है, अगर आपका उसमें मन लग रहा है तो यार वो आपका पैशन है। कईयों का मन लगता है ड्रॉइंग बनाने में, लाइक दे आर सुपर अमेजिंग, वो बहुत अच्छी स्केच बनाते हैं, तो वो उनका पैशन है, उन्हें वो एनहेंस करना चाहिए अपने प्रोफेशन बनाने में। तो यार ये है पैशन प्रोफेशन का डिफरेंस और अट्रैक्शन का डिफरेंस। तो यार आप हमेशा ध्यान रखो आपको क्या चीज करनी है, आपका किस चीज में मन लग रहा है, उस चीज में काम करो, उस चीज में वर्क करो, खुद को इंप्रूव करो, चीजों को इंप्रूवाइज करो, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। नेम फेम अपने आप फॉलो करेगा जब आप पैशन को फॉलो करोगे। तो यार इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और भर भर के नीचे कमेंट करना है। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार्ज होके। टेक केयर, बाय बाय, एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।